सर आपने देखा होगा खासकर बाबू भाई आपकी उम्र ज्यादा है तो जो बालों की स्टाइल होती है जिसको हेयर स्टाइल बोलते हैं हाँ। वो अक्सर चेंज होती रहती है जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। तो आज हम उन्हीं हेयर स्टाइल का एक इवोल्यूशन देखने वाले हैं कि अच्छा। पहले क्या था हाँ। और फिर बाद में किस तरीके से वो इवोल्व हुआ। तो हम चाहेंगे कि पहले हम आपको फोटो दिखाएं और आप पहचानने की कोशिश करें कि वो कौन से साल की हो सकती है। सर बहुत अच्छा आपने वो चुना विषय, इस बहाने देखने को मिल जाएगा मेरे को कि कितने से लेके हेयर स्टाइल है ना बालों की डिजाइन तो फिर उनको लोग किसे रखते कर लिया करते थे। आज ये चीज देखने को मिलेगी, हो सकता है एक स्टाइल अपने को भी रह जाए अपन भी वो करवा ले लगाइए। ओहो हो काफी बड़े बाल हैं यार और आगे से भी बहुत बिखरे हैं। मैं कब चला करता था ये फैशन तो नहीं दिखा रहा भाई बाबू मैंने बाप जमाने में नहीं देखा मैं भाई बाल की जो चल रहे कितनी खुश कितनी बाबू ये है। इसका जवाब तो तुम दो कब का था ये यार ये समझता हूँ कि तो 70-75 का आज तो हुआ है 70-75 सर मैं नहीं बता पाऊंगा बहुत नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा सर कहाँ का है। ठीक है सर आपको बताना चाहूंगा ये 1980 के स्टाइल है जिसको बम्ड हेयर कहा जाता था। अच्छा अच्छा और 80 के दशक में चाहे औरत हो या मर्द हाँ। तो इस टाइप की स्टाइल रखती है। ओहो हाँ तो सर वो वाकई है लग ही रहा। ओहो यार ये तो हीरो से कम नहीं लग रहा है। एक वक्त में संजय दत्त करा करता था इसमें के हीरो संजय दत्त आया था शुरू में नहीं उसके बाद भी फिर मेरे थोड़ा बड़े थे यार उसके थोड़े से सर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक ये सदाबहार स्टाइल है क्योंकि आज भी जमाने में होंगे लेकिन आज भी कई कई लोग स्टाइल के बाल रखते थे। ये तो ये लगता है कि ये स्टाइल सदाबहार है। ये सर 1981 के करीब की हेयर स्टाइल है और उस जमाने में ऐसा कहा जाता था कि बाल बड़े हैं तो बेटर है। अच्छा तो आप देख सकते हैं इसी स्टाइल में चारों तरफ से बाल बड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आहा ये मेरा माइकल आ गया भैया देख क्या अरे बाबू माइकल कब उस वक्त पुरुष पे था मेरे को तो ये भी मालूम नहीं। हाँ यार था लेकिन घुंघराले बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं उसके। अबे घुंघरे के बाल तो कितने खूबसूरत सुंदरी काफी मेहनत करे हुए बाल हैं। हाँ हर कोई रख नहीं सकता भाई उन्हें संजो के रखा नहीं उन्हें इतने इतने अच्छे लग रहे बाबू ये स्टाइल आप कितना बहुत से लोगों ने रखी और मैंने देखी अपनी जवानी में। हाँ जवानी के आसपास का मतलब ये तुम्हारी जवानी कब थी ये 70-75 का आसपास 70-75 वही घूम रही तुम्हारी जवानी साधु बोले के संत बोले या बोले यार ये स्टाइल तो बाप जमाने में गुजरा कि इतनी जरा सी झोपड़ी ऊपर अबे तो ये बात कर रहा है वो दिन मुझे बोले देखे थे वो जिसमें अमरीश पुरी ऐसे माल रखा आया था पिक्चर के अंदर अमरीश पुरी अच्छा तो फिल्म नहीं देखी होगी मैंने देखी थी अमरीश पुरी ने बिल्कुल बाल ऐसे रखे थे फिल्म में। इसे कहते हैं दंगो हाँ। दंगो हाँ क्या 1983 के टाइम में काफी चलन में आई। अच्छा अच्छा ये है अपनी चीज यार सदाबहार ये तो आज भी चल रही है सर मेरे बाल इसमें की ऐसा लग रहा है मेरे को मेरा फोटो लगा दिया तेरा फोटो लगा दिया। हाँ ये बात भी सही है भैया तूने ये बात सही बोली बेटा लेकिन ये वो क्या है कि हमारे जो जमाने के अंदर जो दिलीप कुमार हुआ अशोक कुमार हुआ वो भी ऐसे बाल थे जब से लगा अभी तक यही चला रही है। हाँ चला रही है अच्छा चिपके हुए बाल है नहीं पीछे करे हुए अच्छे लग रहे हैं सर। अबे शाहरुख खान पूरा शाहरुख खान लग रहा है वो शाहरुख खान वाले बाल थे नहीं जो 90 में आता शाहरुख खान वो वाले बाल है यार लेकिन अब वो शाहरुख खान ही लग रहे हैं और तो किसी को भी भाई ये तो एक कुदरती चीज है। कभी कभी तो जो भेजाते हो तुम ये कुदरती कटिंग थोड़ी हाथ से करी हुई है तो नहीं है यार लेकिन क्या स्टाइल मानने का ये जो सर हेयर स्टाइल है उसका नाम है द बुलेट और ये 85 के करीब की है। 85-85 साल पहले और पहले का यार यार दो भाई आ गए करण और वो दोनों का स्टाइल अलग अलग है। देखो एक का तो सादा है हाँ। जो आज कई
हजारों लोग घूम रहे हैं उसमें क्या। लेकिन जो इधर वाला इसके आगे के बाल है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब भी नहीं लग रहा वो उसके चेहरे पे बहुत जबरन है। बाकी बाकी इसका स्टाइल होगा अपना आप में, दोनों ही बहुत आम स्टाइल है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही चल 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 ये आम चीज है यार। ये 1986 के दौर की है और प्रिटी बॉय है उसमे गम डालो और उसमें पानी डाल दिया जो पौधे में जो निकलते नहीं बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे उनने तैयार भी नहीं सर पे गेहूं उगा लिया, सर पे गेहूं की खेती कर ली, बाल इसके अच्छे लगा लेकिन वो मेहनत कर रहे हुए बाल नहीं। ये सर 1987 की राइट एंड स्पाइट। अच्छा हर कोई कर भी नहीं पाई नहीं भाई किसी को कैसे में ही थे। ये कलर करने का जोर था सर, बालों पर कलर किया हुआ टोपी है या दूसरे देखो तो ऐसे लगे कोई टोपी अच्छा भाव एक बात बोलूं। हाँ ये बाल उसी पे अच्छे लगेंगे, इसके बाल में घुंघरापन है। हाँ यार मतलब वो एक गोरिल्ला है उसके भी बाल ऐसी गोरिल्ला के। ये तो नहीं जमा पर सर कब का है नाम बताओ। मेरी माँ भगा देगी मेरे। ये 1988 की हेयर स्टाइल है जिसे हाइट ऑफ फैट्स कहते हैं। यार बाबू सब 90 के पीले जा रही है यार। अब जिसे कहने आगे जब बड़ी ना धीरे के धीरे धीरे यार। और बाबू ये जो मतलब पहलवान कर रहे भैया वो जो अपने पहलवान दादा लोग होते हैं जो कुश्ती होते हैं इसमें रहते हैं। अभी हाल ही में करा इसमें के बाल में। अच्छा काट दिए देखने नागू मैंने। अच्छा वो क्या मैं मेरे बच्चों को लेके जाया करते थे नाई के वहाँ तो उनको ये बोलते थे कि ये बाल उसके राघु ने कर दिया तो राघु ने का बाल नीचे उसको का नहीं तो वो ऐसी कटिंग कर दिया करते थे। ये 1990 का है जिसे सुपर शॉर्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ सर है सर सुपर सुपर ही नाखून नहीं मारा, नाखून नहीं मारा है, बिलेट के कट मारा है, बिलेट के बिलेट के कट मार अब यार ये लेकिन ये कौन तो अभी तो बहुत अजीब लग रहा है यार। अगर ऐसे बात मेरा मैं अगर जाऊँ और ना अगर ऐसे बात होकर दे अभी तो पैसे भी नहीं तो उससे बिल्डिंग मेरे बाल बिगड़ जाएगी। इन्हें देखो ना कंजूसी कैसे करी, अरे कलर लगा तो फिर भी लगा था अब इसी लगा लगा छोड़ दिया कट 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 लगा लगा कट कट कर दिया उसको। ये 1990 का है सर, इसको कहा जाता है हैमर हेयर। अच्छा हैमर उसी प्रकार के हैं। अच्छे लग रहा सर ये। ये तो यार हीरो वाले बाल हैं यकीनन सर, वही दूर है सर आमिर खान सलमान खान संजय दत्त वाला दूर है सर, हमारे बड़े सुपरस्टार गुजरे हैं। तो हीरो हीरो को दूर है, आज भी ऐसे मोबाइल मैंने कई मशहूरों के मैंने देखे जो यार इसमें के बाल करना चाहता हूँ बाबू भी यार इसमें के बाल करवा दो मेरे। लेकिन इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, पैसा भी इसमें की क्या क्या अच्छे अच्छे शैम्पू भी लगाना पड़ता है जब तक ये चले के बाल रहते हैं। अच्छा फ्लोइंग हेयर वाह ओहो क्या बात है भैया। अरे यार ये हाल ही में एक हीरो गुजरा है उसने रखे हैं बाल बड़े बड़े। अगर इसका मुंह छिपा दिया जाए चेहरा और खाली बाल का दिखा दिया जाए तो मैं तो ये 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 कोई लड़की का जो चेहरा है ये भैया। ये सर 1993 से है जिसे ग्रंज आला निर्वाणा के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा नाम है ग्रंज, 93 आ गया था नहीं यार ये आज भी बच्चे कर रहे हैं इसमें। अब थाईलैंड में नहीं वो तो ग्रीस में भी जो मर्द होते थे ना वो ऐसे बड़े बड़े बाल रखते थे। अरे अब ये बाल है क्या देखते थे क्या बोलते हैं बाल। देखो बाबू इस बार इसमें कुछ डिफरेंट वो परिवर्तित दिख रहा है। हाँ कभी दिखा मेरे एक तरफ से उन्होंने बाल यूं करके पूरा लटका दिए और दूसरी तरफ चिपका दी। बाकी क्या है कि ये भी करके घूमते हैं अभी वो है हमारे उधर वो छोरा अभी देखो तो बिल्कुल ये सर 1994 का हेयर कट है हार्ट थ्रॉब हेयर कट कहते हैं। ओहो तो ये लोग इसे हीरो हेयर के नाम से भी जानते हैं। अब लालू प्रसाद यादव जो दिख रहा मेरे को कहा भैया हम तो कहा कह रहे थे बिल्कुल उसका आवाज ही ऐसा लगता है। ये सर 1995 से और
केसर बैंक्स नाम है। अच्छा सर, अच्छा है। ये तो हमारे गांव में हर दूसरे चौथे आदमी ऐसे ही मोबाइल। सही बात कर रहा हूं, कोई नया नहीं हो देर। सही है, अच्छा बड़े बड़े बहुत मेहनत लगी रे भैया यार। छोटी बांधी, छोटी सर पे ने छोटी बांधी और देख बहुत मेहनत भी लगी है, पैसा भी लगा है, और हर किसी के बस की बात भी नहीं लगी। जम रहा मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। ये सर 1996 का है, जिसको कॉर्न रोज के नाम से जाना जाता है। ओ कॉर्न रोज, ये स्नूप डॉग करके बहुत फेमस आर्टिस्ट है, जो आज, फोटो में नजर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये बाल किसके देखे मैंने यार? अब मैं कटोरा कर ले ये वो। हाँ कटोरा, हाँ कटोरा कट, वो ऐसा रख के काट दो। हाँ कटोरा कट है वो, ये वो काफी चर्चित है ये भी। हाँ बिल्कुल बाबू, लगभग आपने सही पहचाना है, 1997 का है, और बाउल कट्स यानी प्याला कट इसने पोता होगा। पोता इसने अच्छी अच्छी स्टाइल है, अच्छे पहले तेल पानी करके खड़े कर लिए बाल। ये सर 1998 का है। अच्छा ये भी वही बाल है, देखो आप खड़े खड़े बाल, इसको भी खड़े कर लिए। ये बात आजकल के बच्चे बहुत रखते हैं। अभी हाल ही में गुजरा सर ये सब, ये फैशन अभी गुजरा हाल ही में, 5 साल पहले आया था बहुत। अच्छा इतना भी ये फिर देख लो कि चारों तरफ कम बाल बड़े हैं इसके अंदर, ये देख लो आप। अरे यार इस तरह के करो बाल रख के घूमे तो कितने छड़प दो गाँव के लोग, ये रख भी नहीं पाया बन तो यार। ये रख लो भैया। अच्छा बाबू एक बात गौर कर रहा हूँ, आप 99 तक पहुंच गए अपन, लेकिन अभी किसी भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखी अपन। दाढ़ी अब चल रही है, अभी चलन में, पहले नहीं थी बाबू। फिर वही बच्चों की बात करें, आपने इतनी पुरानी फिल्म में फिल्म देखी, उसमें फिल्म में हर बड़ी की दाढ़ी हुआ करती थी, देखो जो वही बात करिए। ये सर 1999 से है, इसे शॉर्ट एंड स्पाइकी नाम से। अच्छा अच्छा, ओ हाँ ये है पूरा एकदम अच्छा सही शॉट। हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं हमारे उद्योगपति रतन टाटा, दिलीप साहब के बाल थे तुम्हारे, दिलीप साहब के, दिलीप साहब आगे से घुमा हुआ उसके भी थे, वो शायद वो धर्मेंद्र का कर एक होता है हीरो में, वो भी जरा सर ये तो अक्सर हमारा वहाँ जो बड़े उद्योगपति होते हैं उसके बाल रहते हैं सर। ये सर 2000 से है, जिसे परफेक्टली कोइफ के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, क्या मजे नाइयों के यार, एक से डिजाइने देती हैं उन्होंने यहाँ बालों में। अब ये देख ऋतिक रोशन है, अरे क्या लुक भी आया, कितना बढ़िया चेहरा लग रहा है इस बाल, काफी बड़े बाल है। हाँ यार तू देख ले ये बाल नहीं, पीछे से आगे से सब दूर से डिजिटल ले, मतलब बिल्कुल एक शरीर के बल है। ये 2001 से है, जिसे शेगी नाम से जाना। शेगी शेगी नाम, 2001 में। क्या बात है भैया, अब इसे क्या बोलोगे यार बाबू? इसको बनेंगे जीरो मशीन, या जीरो मशीन होती है ना, अभी जैसे ये मौसम है क्या, फिर लो पूरी आजकल 90 कर रहा है आजकल, ये काम चालू कर दिया, मशीनें ले आए गाँव गाँव में। ये 2002 से है, जिसे बस कट्स कहते हैं। अच्छी अच्छी है सर, आजकल के अब बच्चे कर रहे हैं। अब ये क्या, ये को कट, ये कट है, ये तो गंजा हो गया, तो पहलवान आदमी बाल भी झटका रहे नहीं, बार उतर के आ गया। 2004 का स्टाइल भी मैं देख रखा, मैंने बहुत प्यारा लग रहा है बाबू भाई। इंसान को, इंसान को हीरो बनाने के पीछे इतनी नौवों का बहुत हाथ है, बिल्कुल ये जातिता का सबूत है। देखो आप अपने नौवे कर ही नहीं पाते इसमें। अब इस बार जो खासियत ये है, देखो इस स्टाइल में बाल जितनी में क्या दे रहा है, इधर आंखों पे गिर रहा है, उधर कान ढाक लिए है, पीछे वो क्या बाल। ये 2005 से है, जिसे साइड स्वेप फ्लो के नाम से जाना है। अच्छा लग रहा था सर, ये तो अक्सर अरे वो होते हैं ना अपने खिलाड़ी, उसके फुटबॉल के खिलाड़ी, उन लोगों के बाल देखे हैं मैंने। यार ये हेयर कट है, बाल जमाना भूल गया मैं, ये महसूस कर रहा हूँ कि ये बिछड़ से उठे उठ के खड़ा हो गया। अब देख यहाँ के बाल तो छोटे हैं, वो ऊपर के बाल बिल्कुल खड़े बाल है, बड़ा कर लिया। इसे सर फॉक्स फॉक्स कहा जाता है, 2006 से। बाबू ये वही पिछले
जो देख चुके हैं हमारे इससे पहले। अच्छा देखो एक बार इसमें काल ढके भी नहीं है। हाँ थोड़े बहुत हैं पर इतने नहीं। थोड़ा जो आगे का जो स्पेशल है वो वाली ढकी भी तो काल खुल ले। ये इसे एमओ पेंस कहते हैं और ये 2007 से। अच्छी बात। अबे 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 मैं इसको देखो मैं ये मेरे को ये मैं इसे करने को ये हम तो दिन से नहीं ये तो अभी हाल ही में उससे पहले गुजर चुकी है फोटो उस प्रकार का है लेकिन थोड़े से बाल जो है किसके थोड़े से ज्यादा बड़े हैं। अच्छा देखो वो इतने कर निकल गए नहीं कर जो वाले से और इसके अच्छा इस तो उसके पीछे बाल इतने बड़े नहीं है मेरे भाई वो जो बाल दिख रहे हैं जो ये तो ये बाल पीछे के भी तो आए जब तो ये आया तो पीछे के बाल ये जितने बाल के आगे रहते हैं क्या ये 2010 से और इसे द बीबर स्वूश कहा है। इसमें अभी कहते थोड़ी थोड़ी पहले यार अब आप एक और सुनिए जो पुराने हिस्टल की अब वो रिपीट हो पे हाँ नए नए प्रूफ में रिपीट हो रही है। ये 2011 से है जिसे नेचुरल विस्कफ कहा जाता है। अच्छा ये देखो फिर बाबू भाई अबे यार बालों को बढ़ा दिया गया है और लटक चिपका दिए इस बार एक तरफ। अभी ये वो दौर का ये वो उस दौर के बाल हैं जिसमें बालों को बढ़ाया जा रहा है वो उस दौर का टाइम है। ये सर 2012 से जिसे मेसी हेयर परफेक्ट ये तो यार पूरा बदल दिया एक तरफ हाल ही में इससे पहले गुजरा बड़े बड़े बाल और अचानक छोटे बाल आ गए। मेरी बस सुनी उसमें क्या है वो जो अपने देखे थे ना वो हम बच्चे थे अब ये देखिए मजेदार आदमी तो ये छोड़ा ये मैं भी चलकर भक्तों का भी हम तक जाए तो छोड़ा बच्चे बदलाव आना है। इस बार दाढ़ी भी दी है इन्होंने इन बालों से और ये दाढ़ी से जो आदमी को समझदार और मैं परिवर्तन देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे बालों के साथ दाढ़ी पे भी तवज्जो दी जा रही है। अब अपन ने एक फोटो से देखा उसमें तो परिवर्तन बता दिया है। देखते हैं आगे उम्मीद मुझे है इसके अगला आ जाए तो। ये सर 2013 से जिसे ट्रिम्ड एंड पॉलिश्ड नाम से जाना है। अच्छा 13 अब ये फोटो है अब बता इसमें दाढ़ी का अब बता दे यार बाबू यकीनी बात है वो दाढ़ी का मसला ही नहीं था। ये जो फोटो अभी हाल में देख रहा हूँ ये पिछले सारे फोटो से अलग हट गया क्योंकि इस बार बहुत ही अलग डिजाइन डाल दिए पूरे साफ साफ करती है साइड के देखो ऊपर का बाल बिल्कुल चिपका के बिल्कुल इससे से बनाया हुआ है। इसे सर कहते हैं कॉम्ब ओवर्स और ये 2014 से 14 में ये तो मैं ही हूँ यार बाबू मैं ही लग रहा हूँ मैं ही अगर मुझे कोट पहना दो तो मैं ही हूँ यार देखो तो तूने तो ये देखो भाई बोल रहा है ये तो मैं ही हूँ मैं भी अगर अमिता भाई को देखता हूँ और मैं ये जगह जगह उसको जगह भी मेरे ये तो मैं नहीं हूँ अब ये तो कोई ये नहीं को अमिता भाई बन जाऊँगा भाई ये तुम्हें लग नहीं रहा कि मैं मेरा ऐसा लग रहा है उसका हुलिया ये तो एक अभी अपन कह नहीं सकते। ये सर 2015 से है जिसे शॉर्ट साइड्स और लॉन्ग टॉप्स कहा है। लो क्या बोलेंगे भैया क्या बोले इसको यार मैं तो ये बोलूंगा फसल उग गई है भैया बाबू मेहनत करी हुई है इसमें। अच्छा देखो इस बार क्या करा इन्होंने राइट साइड के बाल कर दिए बारीक और ऊपर के बाल कर दिए बड़े और ऊपर ऊपर लगा दिया इन्होंने रंग। 2016 से है इसे डाइड हेयर कहते हैं यानी कि रंगे हुए बाल। आहा कैप्टन अमेरिका अबे ये तो बहुत शानदार स्टार है यार हाल ही में देखा इसको मैंने। ये क्या है मेरे भाई कि यार आम स्टाइल है मेरे बचपन से जो जो चले आ रही है देख आज तक चली आ रही है ये बिल्कुल बहुत शानदार स्टाइल है इसे तो कोई लड़की नहीं नखा रही इस स्टाइल को यार सब पसंद कर रहे हैं। अब लड़की भाई तो कैसे करे मतलब पसंद करे कन्या भी सभी मतलब सबको हाँ यार कुछ भी क्या कहीं ना दिल की बात जो होती है जबरदस्त ऐसी।